नमस्कार, सबको नमस्कार। मित्रों, मेरा नवल साहब से परिचय कोई 40 साल पुराना है और देखिए मैं कैसे कैसे इस व्यक्ति का फैन बनता चला गया। हुआ क्या कि हम लोग राणा प्रताप बाग में रहते थे, तो हमारे पड़ोस में ही ये आकर के रहने लगे। डॉक्टर बिजेंद्र स्नातक साहब का मकान था, उनकी हमारे से दीवार लगती थी, एक दीवार का कोना हमारा उनके साथ में लगता था और पहली मंजिल के पोर्शन में ही आके उसमें रहने लगे। तो हम पहले नहीं समझ पाए कौन है ये दाढ़ी वाले शख्स, लेकिन बाद में पता चला कि ये डॉक्टर हरीश नवल हैं। हमने इनका एक लिखा लेख अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था, 10वीं कक्षा तक हिंदी हमने पढ़ी है, तो उसमें इनका एक लेख था जिसमें इन्होंने बताया था कि कैसे कौवे इंतज़ार करते हैं कनाकतों के आने का, और कैसे डॉक्टर साहब ने उसमें वर्णन किया था कि लेक्चरर्स प्राध्यापकों का सम्मान किया जाता है कि या तो रब रखा है या आप हैं। तो हमने पढ़ा हुआ था और बहुत हमें अच्छा लगता था, तो हम बड़े उत्साहित थे कि डॉक्टर साहब वहाँ करके रहने लगे थे। और तोशी मौसी की तरह हम भी कभी कभी सोचते थे, क्योंकि ये कई बार घर में ही रहते थे, हम पढ़ते होते थे, इनको देखते थे, हमें ये नहीं समझता आता था कि ये करदे की हैं। खैर, अब समझ में आता है कि ये करदे की हैं। फिर दोस्तों, हमारी मुलाकात इनसे मसूरी में हुई। हुआ क्या कि हम लोग माल रोड पे घूम रहे थे, वो साल 1983 का था जब भारत ने विश्व कप जीता था। तो ऐसे ही हम लोग, मैं, मेरे पिताजी, मेरी बहन, माताजी माल रोड पे घूम रहे थे, तो घूमते घूमते देखा कि पिताजी और बहन किसी स्मार्ट से नवयुवक से बातें कर रहे हैं। एकदम से समझ में नहीं आया कि कौन मिल गया। वैसे मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे तो लोग काफ़ी इनको जानते थे, तो हमने सोचा कि कोई मिल गए होंगे। मैं और माताजी जब वहाँ पहुँचे तो उस शख्स ने बड़े आदर के साथ मेरी माताजी को अभिवादन किया। मेरी माताजी स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल थीं, उस समय पढ़ाती थी, तो वो उनको पहचान नहीं पाई स्मार्ट से युवक को। तो उन्होंने कहा, भाभी जी आप पहचान नहीं रही हैं मुझे। तो मेरी माताजी के चेहरे पे जो हाव भाव आए ऐसे थे कि उनसे साफ लग रहा था कि उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन उस स्मार्ट से नवयुवक ने भी छोड़ा नहीं और ये कहा कि शायद भाई साहब के सामने आप नहीं पहचान रही हैं। तो ये सुनना था कि मेरी माताजी आग बबूला हो गई। खैर, इसमें मेरे पिताजी ने हंसते हुए बात संभाली कि डॉक्टर नवल हैं जिन्होंने मसूरी में आने के बाद अपनी दाढ़ी को शेव कर लिया है। तो खैर, बड़ा ही विनोद किस्सा रहा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमने मसूरी के फ्लैट में इनवाइट किया, हम लोग वहाँ गए तो बहुत अच्छा वहाँ पे लगा। एक छोटा सा फ्लैट था और महेंद्र कपूर का गीत वहाँ चल रहा था, मुझे आज भी याद है, इन फिजाओं में इन हवाओं में, और आंटी क्या मस्त होकर के उन पे गा रही थी। मेरे को आज भी मसूरी की यादें ताज़ा हैं। उसके बाद एक किस्सा ऐसा हुआ, मेरे भाई साहब की शादी की 25वीं एनिवर्सरी थी, तो मैंने और मेरी वाइफ ने एक स्किट लिखी थी उनके लिए, लेकिन हम घबरा रहे थे कि ये कैसे हो पाएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने वहाँ पर आना था और काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी। भाई साहब को भी जब पता चला तो वो भी थोड़ा परेशान थे कि हमें कोई अनुभव तो था नहीं इस चीज़ का। तो हरीश जी के पास पहुँच गए, तो इन्होंने जिस अंदाज से उसको पढ़ा तो ऐसा लगा कि किसी मुर्दे में जान डाल दी उन्होंने। इतने अच्छे से इन्होंने पढ़ी और हमारे अंदर भी विश्वास जगा दिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इनका स्टाइल नोट कर लिया और अगले दिन इनके आशीर्वाद से मैंने और मेरी वाइफ ने प्रेजेंट किया, क्योंकि मेरे भाई साहब की शादी हुई थी मेरे वाइफ की बहन से, तो हमारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और डबल हम लोग एक्साइटेड थे। तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से किया और उससे पहले भाई साहब कुछ हमारे नाराज़ रहते थे हमसे, कुछ गलतियाँ हमसे हो गई थी, लेकिन उसके बाद उस प्रोग्राम को करने के बाद वो सारी गलतफहमियाँ दूर हो गईं और उन्होंने हमें प्रोग्राम में ही गले से लगा लिया और जो आंसुओं की धार दोनों तरफ से बही तो सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए और इसका सारा श्रेय डॉक्टर साहब को ही जाता है। उसके बाद दोस्तों, एक प्रोग्राम ऐसा हुआ कि इनके घर के पास ही हमें बैंक्वेट हॉल में शादी में जाना था, तो वहाँ पर हमने प्रोग्राम ऐसा बनाया कि अपने माता पिताजी को तो इनके घर डिनर पे भेज दिया और मैं और मेरी वाइफ उस प्रोग्राम में चले गए। तो जब हम वहाँ प्रोग्राम में गए तो कुछ खाने का ऐसा था सिस्टम कि कुछ ऐसी स्मेल आ रही थी कि हम दोनों खा नहीं पाए थे, क्योंकि कुछ होगा ऐसा नॉन वेज या कुछ इस तरीके का था, हम लोग नहीं खाते थे, शुद्ध शाकाहारी थे।
तो हम लोगों ने सिर्फ आइसक्रीम ही आइसक्रीम पे पेट भर के खाना खा लिया। जब हम लौटे अपने माता पिता को वहाँ से लेने के लिए, तो आंटी ने, सुधा जी ने बड़े मनोहार करके कहा कि प्रवीण आइसक्रीम खा लो। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी, हमने आइसक्रीम ही खाई है। तो दो तीन बार आंटी ने कहा कि भाई आइसक्रीम खा लो, तो मैंने, मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने आइसक्रीम ही खाई है। तो अंकल ने कहा कि अरे इसने आइसक्रीम ही खाई है, इसको खाना खिलाओ। तो ऐसी पकड़ थी इनकी, बात को पकड़ लेते थे। तो मित्रों, कुछ दिन पहले ही मुझे ये पता चला कि नवल साहब एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है गजब साहित्यकारों के अजब किस्से। सुन के बड़ा दिलचस्प सा लगा। हाँ, मुझे भी ये कार्यक्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नवल साहब का यूं साहित्यकारों को स्वरांजलि देना बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो बहुत लगा, मज़ा भी बहुत आया, लेकिन मेरे दिल ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या नवल साहब पर ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिए? क्या नवल साहब ऐसे प्रोग्राम किए जाने के हकदार नहीं है? और यदि हैं तो फिर करेगा कौन, और अभी तक करा क्यों नहीं? मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं ही क्यों नहीं। तो मैंने ये कोशिश की है। तो मित्रों, आपकी नज़र है हमारे गजब साहित्यकार व्यंग श्री डॉक्टर हरीश नवल के अजब किस्से। दोस्तों, हमारे हरीश जी किसी परिचय के तो मोहताज हैं, उन पर कुछ बोलना ठीक वैसा ही होगा जैसे भरी दोपहर में मैं सूरज को रोशनी दिखाने जाऊं। व्यंग की दुनिया में शायद ही अब तक ऐसा कोई पुरस्कार होगा जो हरीश जी ने प्राप्त नहीं किया होगा। इन्हें अब तक कम से कम 20 राष्ट्रीय और 10 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यंगश्री पुरस्कार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, श्री जैनेन्द्र कुमार पुरस्कार, फिक्र तौसवी पुरस्कार आदि। वैसे तो ये व्यंगश्री के नाम से जाने जाते हैं, परंतु इनकी, मित्रों, इनकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं इनको मिस्टर 360 डिग्री कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट में एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। दोस्तों, ये 360 डिग्री एबी डिविलियर्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से कोई भी शॉट खेल जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब भी ऐसे ही हैं, किसी भी कोण से, कभी भी, किसी भी बात से कुछ भी कह जाते हैं। दोस्तों, ये तो कम ही लोग जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत तो कहानी कहने से ही की थी। कहानी कहने में ये बेजोड़ थे, वैसे थे गलत है, होना चाहिए कहानी कहने में ये बेजोड़ हैं। कविताओं का भी इनके पास बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छा संगलन है जो मेरे ख्याल से अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। नाटकों से इनका प्रेम किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने रंगमंच की दुनिया में भी काम किया है। और दोस्तों, हम इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके स्कूल में इनके सीनियर थे कुलभूषण खरबंदा। कुलभूषण खरबंदा साहब को इंटर स्कूल पुरस्कार मिला था, जो आगे चल के हरीश जी ने भी जीता। एक पंजाबी फिल्म के लिए तो साइड हीरो के रोल में इनका लगभग चयन हो ही गया था, वो तो ये माने नहीं। चित्रकारी भी ये बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, ये बेजोड़ वक्ता हैं। किसी भी गोष्ठी में ये सब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये सम्मोहन की विद्या जानते हैं। मित्रों, ऐसा लगता है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिंदी साहित्य के लिए बने हैं, और इस व्यक्ति का पाश्चात्य जगत से कोई नाता हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात और है कि अगर किसी कमरे में, यदि किसी टेबल पर पाश्चात्य धुन की ताल सुनाई दे कि कोई तबला बज रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये डॉक्टर नवल हैं। जब ये इंग्लिश गीत गाते हैं तो लोग अपने आप थिरकने लग जाते हैं। और एक राज की बात बताएं, एक बहुत पुराना किस्सा है। सुधा जी ने इनका ये रूप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एमए की पढ़ाई के दौरान देख लिया था, जब हॉल में माइक्रोफोन को पकड़कर उसे लिटाते हुए, बिठाते हुए, अंग्रेजी गीत गाते हुए, सबको नाच नचाते हुए डॉक्टर हरीश नवल को सुधा जी ने देखा था। उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनको समझ नहीं आया कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में इतने विरोधाभास कैसे हो सकते हैं। खैर, वो भी जल्दी समझ गई मिस्टर 360 डिग्री को, और अंत में शादी इन्होंने इसी 360 डिग्री से ही करी। मित्रों, हमारे डॉक्टर साहब का जन्म 8 जनवरी 1947 को नकोदर पंजाब अपने ननिहाल में हुआ था। देखिए कितने मुबारक थे इनके चरण कि इधर ये धरती पर आए और उधर हमारा देश आज़ाद हुआ। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अभी नवल साहब की आयु मात्र 5 वर्ष और इनके पिताजी की आयु मात्र 32 वर्ष की रही होगी जब उनका देहांत हो गया। मित्रों, ये अनहोनी किसी अभिशाप से कम नहीं थी। नन्हे हरीश पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नन्हे हरीश के सपने कोई आकृति लेने से पहले ही चकनाचूर हो गए। उन्होंने अपनी बीजी को प्रताड़ना सहते हुए भी देखा, वे चुप रहने लगे और गंभीर प्रवृत्ति के बन गए। बहुत ही मासूम से थे वे, खैर आज भी हैं। वे ध्यान से सब कुछ देखते रहते, बस किसी से कुछ मांगते नहीं थे।
उनका मन करुणा और आक्रोश से भर गया था। उन्होंने निश्चय किया कि कभी भी अपने भाई बहनों से झगड़ा नहीं करेंगे और किसी से कभी कुछ मांगेंगे नहीं। हाँ दोस्तों, इनको बड़ा करने में इनकी बीजी का बड़ा हाथ था। वो इन्हें माँ सरस्वती की पूजा करने को कहती थी और ये कहती थी कि प्रार्थना करो कि हे माँ मेरी जिह्वा पर विराजमान हो। तो मित्रों, माँ सरस्वती ने इन पर कृपा करी और कुछ विशेष ही कृपा की। हाँ वैसे ये बता दूँ कि ये श्याम वर्ण के थे, तो इनकी बीजी को डर लगा कि कहीं ये काले ना हो जाएं, तो इनकी बीजी रोज इनको दूध से नहलाती थी। हाँ अपने पिता की कमी इन्हें हमेशा ही खली। इनके पिताजी अखबार में अंग्रेजी में लिखते थे। इनकी दादी जी को बड़ी चिंता हुआ करती थी और एक बार तो उन्होंने सोचा कि हरीश के लिए आटे की चक्की का जुगाड़ कर दिया जाए ताकि आगे चल के भूखों ना मरे। इनके दादाजी पंडित त्रिलोकीनाथ जी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह के सहयोगी थे, उन्होंने जाति का भेद मिटाने के लिए अपने नाम से शर्मा शब्द निकाल दिया और नवल लगा लिया ताकि किसी को जाति का पता ना चले। इनके दादाजी उर्दू जबान के शायर थे, जो आजम जलालाबादी के नाम से लिखा करते थे। तो हरीश जी के हिस्से में हिंदी आई, उसको उन्होंने हिंदी को इन्होंने हमेशा माँ समान माना। अब देखते हैं कि नन्हे हरीश ने कैसे अपने जीवन के अभिशाप को वरदान में बदल दिया। दोस्तों, जिस उम्र में नन्हे बालक अपने बड़ों से कहानियाँ सुना करते थे, अब हमारा हरीश सबको कहानियाँ सुनाने लगा। लोग अपनी मांग रख देते और हमारा हरीश लग जाता उन्हें कहानियाँ सुनाने में। वो तभी की तभी कहानियाँ बनाता। ये देखिए कितने मज़े की बात है कि कोई कहता था कि भाई इस पे कहानी सुनेंगे, चिड़िया पे कहानी सुनेंगे, हाथी पे कहानी सुनेंगे, तो हमारे हरीश उनको तभी की तभी चिड़िया पर, तोते पर, हाथी पर कहानी सुनाया करते थे। इससे क्या हुआ कि उनकी कल्पनाशीलता की शक्ति बढ़ती ही चली गई और कहानी कहने की धारा प्रवाह कला सीख ली। दोस्तों मैं आगे चलकर बताऊंगा कि करुणा, आक्रोश, धारा प्रवाह के साथ कहानी कहना, गंभीर प्रवृत्ति, सब कुछ ध्यान से देखने की कला, चित्रकारी, मासूमियत, ये सारे ही गुण व्यंग लिखने में कैसे हरीश जी के काम आए। दोस्तों हरीश जी का लालन पालन संस्कारों से हुआ। उन्हें बचपन से ही विनम्रता, सहजता, सरलता, जिम्मेदारियों का बोध, मिलनसारिता आदि सारे गुण जैसे अपने आप ही आ गए। कहते हैं कि पक्की नींव पर ही अच्छी इमारत का निर्माण हो सकता है, पर यहाँ तो विधि ने स्वयं ही नींव रख दी थी। दोस्तों स्कूल में हमारे हरीश कुछ ना कुछ लिखा करते थे। एक बार का किस्सा है कि ये दरियागंज के जैन स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ एक दिन श्री जैनेन्द्र जी उद्घाटन करने के लिए पधारे। वैसे मैं ये बता दूं कि आगे चलकर हमारे हरीश जी को श्री जैनेन्द्र पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने किशोर हरीश से अपनी एक रचना पढ़ने की फरमाइश की, तो हमारे हरीश ने हिचकिचाते हुए अपनी रचना मैं भी एक फोटोग्राफर सुना दी। श्री जैनेन्द्र कुमार जी प्रसन्न हो गए और इनकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोले कि तुम व्यंग अच्छा लिखते हो। तब हरीश जी को पता चला कि वो जो लिखते हैं उसे व्यंग कहते हैं। मित्रों उसे तो पता ही नहीं चलता था कि कब उसके मन में असीम करुणा और अपरिमित आक्रोश उसकी लेखनी से व्यंग का रूप ले लेते हैं। वो क्या करता, भाव ही ऐसे आते थे जिसमें व्यसंगति हो। ये विधा उसे कठिन नहीं लगती थी। कन्हैया लाल कपूर, कृष्ण चंद्र व फिक्र तौसमी की रचनाएं पढ़ना उन्हें अच्छा लगता था। एक कबाड़ी वाले से बनारसी बेढप की व्यंग उपन्यास लेफ्टिनेंट पिक्सन की डायरी लग गई। उसे बार बार पढ़ने पर समझ में आया कि शायद इसी को व्यंग कहते हैं। मित्रों इसी बीच इन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और देखते ही देखते दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए, एमलिट और पीएचडी की परीक्षाएं पास कर और हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक हो गए, जहां इन्होंने 41 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। अब इनके अंदर का व्यंगकार और शिक्षक एक दूसरे के समानांतर चलते हुए एक दूसरे के पूरक बने रहे। दोस्तों हमारे हरीश ने लिखना जारी रखा। उसकी एक रचना मिस्टर कमेंट्री दास आगरा से प्रकाशित पत्रिका नोक झोंक में छप गई। बहुत सराहना मिली और मनोबल भी बढ़ा। अब जब इन्होंने हरिशंकर परसाई को पढ़ा तब जाकर संतुष्टि हुई कि व्यंग इसी को कहते हैं। मित्रों एक रचना कुदरत की बात है कि श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पसंद आ गई, जिसका नाम था बुढ़िया विक्रमार्क और सराय रोहल्ला। ये रचना मील का पत्थर साबित हुई। श्री हजारी प्रसाद जी ने तुरंत आदेश दिया कि व्यंग को इसी गंभीरता से लिखते रहो, लोकप्रियता के जंजाल से बचते हुए साहित्य की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाओ। इनको मार्गदर्शन मिला प्रसिद्ध आलोचक श्री विजेंद्र स्नातक साहब का,
जिन्होंने बताया कि व्यंग्य की दुनिया छूती सी है। वैसे ये बात और है कि विजयेंद्र स्नातक साहब से इनको बहुत कुछ मिला। उन दिनों में व्यंग लिखा तो जा रहा था, पर ठीक वैसे ही जैसे हाशिए पर टंगे हुए मुद्दे जैसे। एक आम पाठक व्यंग को शैली के रूप में जानता था, एक स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं। उदयपुर में एक व्यंग में खुलकर हरीश जी ने कहा कि व्यंग तो एक स्वतंत्र विधा है, शैली नहीं। इस व्यंगोत्सव की सार्थकता तो इसी में है कि व्यंग को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया जाए। मित्रों, कुछ लोग तो व्यंग को हास्य से जोड़कर देखते हैं और हास्य व्यंग के बीच में हाइफन, एक हाइफन लगा देते हैं और उसे हाइफन का रूप दे देते हैं। वे चुटकुलात्मक हास्य को कविता के रूप में पेश करके उसे हास्य व्यंग का रूप प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं कि अब ये हास्य व्यंग की एक रचना सुनाएंगे ना। हरीश जी हास्य एवं व्यंग के अंतर को समझाते हुए कहते हैं कि हास्य निर्मल आनंद प्रदान करता है, जबकि व्यंग आक्रोश से उत्पन्न होता है और उसका समापन करुणा में होता है। हालांकि हरीश जी मानते हैं कि व्यंगात्मक हास्य और हास्यात्मक व्यंग भी हो सकता है, पर इसमें इनकी मात्रा का सही उपयोग अपेक्षित है। अगर आप व्यंग में हास्य की मात्रा का अधिक प्रयोग करेंगे तो रचना कमजोर हो जाएगी, यानी व्यंग में अगर हास्य का छौका ज्यादा लगा देंगे तो रचना कमजोर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर हास्य में जितना व्यंग की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा रचना उतनी ही सुदृढ़ हो जाएगी। देखिए कितनी सूक्ष्मता से हरीश जी ने इस बात को समझाया है। मित्रों, दोनों में ही गंभीर सोच की परिपक्वता व्यंगकार के लिए अपेक्षित ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। इसका मतलब व्यंग करना बहुत जिम्मेवारी का काम है। व्यंग का सच्चा पाठक भी गंभीर व परिपक्व होना चाहिए। व्यंग की प्यास के आखिरी छिलके तक पहुंचने के लिए आंसू तक बहाने पड़ते हैं। दोस्तों, एक अच्छे व्यंगकार के पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना ही चाहिए, उससे भी बढ़कर सेंस ऑफ सटायर होना चाहिए। मित्रों, इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरा शैली के अतिरिक्त विक्रम वेताल कथा शैली, शोध शैली, पारसी नाट्य मंच शैली, हितोपदेश कथा शैली, पैरोडी शैली, लघु कथा शैली, मीडिया शैली, तंत्र मंत्र शैली आदि विविध शैलियों का प्रयोग किया है। दोस्तों, आधुनिक व्यंगकारों में इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में जितने प्रयोग किए हैं उतने वर्तमान साहित्य में किसी ने नहीं किए। इनके पास किस्सा कह की एक परिपक्व शैली है और यही कारण है कि इनकी रचनाएं अधिकांशतः एक कथा कहती हुई लगती हैं। मित्रों, शिष्ट भाषा युक्त विविध शैलियों में सूक्ष्म और सौम्य सृजन हरीश नवल के साहित्य की नवलता है। नवल जी कम लिखते हैं पर असल लिखते हैं, ये छोटी सी बात में बहुत गहरा ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर नवल कभी आक्रामक नहीं दिखते, वे अपनी तीक्ष्णता, प्रखरता और आक्रामकता को विनोद की चाशनी में लपेट कर परोसते हैं। ये तो पता ही नहीं चलता कि व्यंग की भाषा इनकी कितनी मारक है। नपे तुले शब्दों के कोड़े मारते हुए रुई का नरम फाया रखती हुई चलती है इनकी व्यंग। इनकी व्यंग की मार इतनी महीन होती है पर रेशम सी नहीं बल्कि सेफ्टी पिन की तरह, जो वक्त पड़ने पर उधेड़ भी सकती है और उधड़ी हुई को ढकने के भी काम आती है, उसका नाम ही सेफ्टी पिन होता है। दोस्तों, ये स्वयं ही बताते हैं कि वैदिक रूप से 6 तरह के आततायी होते हैं, जैसे धन छीनने वाला, भूमि छीनने वाला, जोरू छीनने वाला, विष देने वाला, अग्नि लगाने वाला, और ये बताते हैं कि तीसरे नंबर का आततायी होता है जो शब्दों से आतंक फैलाए, और व्यंगकार को इसी तरह का आततायी कहते हैं। परंतु इनकी यही तो खूबी है कि आततायी नहीं लगते, इनका चुटकी लेने का अंदाज निराला है। ये अपनी अधिकांश रचनाओं में थोड़ा सा हास्य का आश्रय लेते हुए अपनी बात शुरू करते हैं, धीरे धीरे विसंगतियों की परतें खोलते जाते हैं और जब जड़ तक पहुंचते हैं उनमें एक पिन सा चुभो देते हैं। ये इनका एक खास अंदाज है। मित्रों, हरीश जी की सोच ही इनका असली परिचय है। इनके व्यंग अधिकतर सामाजिक होते हैं, वैसे इनके शिक्षा और संबंधों पर भी व्यंग बहुत ही मार्मिक होते हैं। आज की जिंदगी विसंगतियों से घिरी हुई है, कृत्रिमता और नकलीपन इतना बढ़ गया है कि असली और नकली का फर्क ही मिट गया। इस विषकर्म से बाहर निकालने का दायित्व व्यंग पर आ पड़ा। डॉक्टर हरीश ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। ये इस विधा के चाणक्य हैं। इनकी रचनाएं न केवल जड़ होती जा रही चेतना को झकझोरती हैं बल्कि सहजता के साथ व्यंग की गरिमा बढ़ाने में भी सफल है। इनकी रचनाएं जहां एक ओर सच्चाई से हमारा आत्म साक्षात्कार कराने में सफल होती हैं, वहीं दूसरी ओर व्यंग के अनुष्ठान में संविधा का काम करती हैं। आज हरीश जी व्यंग के महारथी बन चुके हैं
अब तक हमने जाना कि कैसे नवल साहब ने विषय पर अपनी पकड़ बना ली। मित्रों, इनकी रचनाओं का अनुवाद फ्रेंच, अंग्रेजी, तमिल, उड़िया, मराठी, पंजाबी, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं में हो चुका है। इनकी रचना बागपत के खरबूजे को 1987 में युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये रातों रात स्टार बन गए और 1989 में सचिन तेंदुलकर आए थे, उन्होंने भी सेंचुरी से शुरुआत की थी और तेंदुलकर तो बेचारे 24 साल सेवा करके चले गए और ये अपनी पिच पर टिके हुए हैं। तो दोस्तों, आइए हरीश नवल जी के साहित्यिक सफर पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। वैसे तो इनके जितने भी रचनाएं हैं सबको मैं गिनाने लगूं और सब पर बात करने लगूं तो इतना समय लगेगा जो शायद आप लोग नहीं दे पाएंगे, मैं तो खैर दे दूंगा। सबसे पहले हम बागपत के खरबूजे से चलते हैं। मित्रों, ये व्यंग की वो बेजोड़ रचना है जिसमें नवल साहब को व्यंगकार के रूप में पहचान दिलवाई। ये 20वीं सदी की सबसे चर्चित पुस्तकों में से एक है। नवल साहब को युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। इस संग्रह में व्यंग की धार इतनी तीव्र रखी गई है और इस रचना में व्यंग ने जो उठान प्राप्त किया है वो चौंकाने वाला है, उस जमाने में नहीं होता था। किस तरह चुन चुन कर निशाना साधा है नवल साहब ने रंग बदलते इन मानवीय देशी व विदेशी खरबूजों पर। दोस्तों, इनकी एक रचना जिसका शीर्षक है विक्रमार्क बुढ़िया और सराय रोहिल्ला, इसमें परिवार के अंतर जाल को कैसे रेशे रेशे उधेरा है, जिसमें पारिवारिक कूटन, अपने ही परिवार में वृद्धों की दयनीय स्थिति का अत्यंत करुणामयी चित्र उभर कर सामने आया है। मुलायजा फरमाइए, बच्चों के लिए दादी माँ जीव वस्तु थी, उन्हें लोग छू छू कर देख रहे थे कि वे कहाँ कहाँ से बोलती हैं। यहाँ मित्रों हंसे का अनुभव उन्हें ही हो सकता है जिसे इस व्यंग का मर्म समझ में नहीं आया हो, वरना व्यंग की मार इतनी सूक्ष्म है कि आहा फूट ही पड़ती है। दूसरी रचना निराला तेरी गली में लेते हैं। निराला जैसे साहित्य की धरोहर के पुत्र को हाथ रिक्शा चलाते हुए देखकर नवल साहब इस सच को झेल नहीं पाए। इन्होंने उनके वंशज का हाथ रिक्शा चलाने की मजबूरी और उसकी रिक्शा में बैठने का स्वयं का अपराध बोध का सजीव चित्रण किया है। जरा एक नजर डालिए। मैं हतप्रभ ना बाहर का रहा ना भीतर का रहा, धरती थमती लगी, अवसाद व पीड़ा की बाढ़ आंखों से फूटने लगी, ग्लानी और आत्मभर्त्सना हावी हो गई। मुझे लगा कि निराला जी का घर हमेशा ही बाढ़ से घिरा रहता है। देखिए कैसा सजीव चित्रण इन्होंने किया है। अब तीसरी मैं लेता हूँ, पीली छत पर काला निशान। इसमें हरीश जी ने सामाजिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया है। देखिए, ऊंची छत और वह भी पीली, अंग्रेजों को पीली कोठियां बनवाने में कितना खून बहाना पड़ा। अंग्रेजों का ये पीत प्रेम बसंत का परिचायक नहीं है, अलबत्ता भय से पीला पड़ना मुहावरा उन्हीं के शासनकाल की देन है। इसी प्रकार मैंने ऊंची छत की ओर देखा, छत पार आकाश में झांकना पड़ा, आकाश के पार भगवान को देखने की चेष्टा की, पर पाया कि ऊपर सब और जाले ही जाले। देखिए कैसा तीखा व्यंग किया है। दीनानाथ के हाथ। मित्रों, इस रचना में नवल साहब ने अनाथालय का जो चित्र खींचा है वे व्यंगकार की चरित्र चित्रण की अद्भुत क्षमता को रेखांकित करता है। देखिए, समाज की यशस्वियों की देन है अनाथालय। अनाथालय दया के प्रतीक है। दयालुता से भरे ये लोग अनाथों पर कृपा करके संतुष्टि सुख पाते हैं। ये अनाथालय चलेंगे कैसे अगर इसमें अनाथ ही ना हों। दीनानाथ जी और उन जैसे अनेक दीनानाथ समाज में अनाथों की सृष्टि करते हैं। उनकी ही कृपा से अनेक सनात अनाथ बनते हैं ताकि अनाथालय चलते रहे और सुयोग्य नागरिकों पर दया भाव बना रहे। देखिए कितनी तेज और सूक्ष्म थी व्यंग की मार। अब देखिए किस्सा ये डुप्लेक्स। यहाँ पर नवल साहब ने समाज और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषितों के उत्थान की कागजी कार्रवाई तथा अन्य मसलों पर भी रिक्शे वाले और सवार लेखक के बीच हुए संवाद मात्र से ही गहन व्यंग किया है। रिक्शे वाला, साहब, ओहो साहब, यही तो समझाने जा रहा था कि हमारी जिंदगियों में पीढ़ियों को भी जमीन मिल चुकी है, सबको वहाँ फ्लैट और हो जाएंगे, भूरे लाल तो इसी झोपड़ी में रहेंगे, अलबत्ता आपको उनको फ्लैट मिल जाएंगे, तब ताकत और वक्त के हिसाब से रुपया दे देना, मौज करना, और एक काम करना कि कभी किसी रिक्शे वाले के पैसे कम ना करना। देखिए कितना तीखा व्यंग था। अब देखिए आप, एक बुद्ध और खरीदने जाना पामेरियन। मित्रों, बड़े लोगों की छोटी हरकत या ऊंची दुकान फीकी पकवान कहावत चरितार्थ करती है। महानगरीय अडम्बरों के चीथड़े उड़ा दिए नवल साहब ने।
महानगर के धोरे चरित्र और उसकी चकाचौंध से अंधा हो जाकर जब एक कस्बाई व्यक्ति नकल पर उतर आता है तो उसकी अकल पर कैसे पत्थर पड़ जाते हैं, और बाजार में गली कूचों गंदी बस्तियों तक अपनी पहचान कैसे बना ली जाती है, कैसे झूठ का व्यापार चलता है, उसकी वानगी देती हैं ये पंक्तियां। मैं 50 रुपए के लिए अपनी कुतिया का कैरियर खराब नहीं करूंगा। ये साहब हमारे थोक के ग्राहक हैं, हर हफ्ते आते हैं, जितने पिल्ले होते हैं मुंह मांगा दाम देकर ले जाते हैं, बड़े आदमी हैं, शौक भी बड़ा है। इसमें साहब के पामेरियन की पोल खोलकर लेखक ने रईसों के व्यक्तित्व में ही होल कर दिया। मित्रों, मैं सही मायने में बोलूं तो ये बात है कि मैंने तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र ही दिखाया है। अगर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो इनकी लिखी हुई रचनाओं को पढ़ें। इनकी अन्य कुछ प्रमुख रचनाएं हैं माफिया जिंदाबाद, बोगी नंबर 203, कुछ व्यंग की कुछ व्यंगकारों की, दिल्ली चढ़ी पहाड़, वाया पेरिस आया गांधीवाद। मित्रों, अब हमारी मनोस्थिति, मेरी तो खैर खासकर, तुलसी मौसी जैसी हो गई है, और हमारे मन में ये प्रश्न भी उठता है कि नवल साहब करदे की हैं, किस तरह अपने मार्मिक व्यंग इतनी आसानी से कह जाते हैं। तो आइए नवल साहब की इस व्यंग बनाने की विधा को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, मैं आपको व्यंग लिखने का इनका रेसिपी बता रहा हूँ। सर्वप्रथम ये अपने आसपास होने वाली घटनाओं को बहुत ध्यान से देखते हैं, फिर जो छोटी सी बात में कुछ बड़ा ढूंढने की इनकी कला है, और जिस कला ने जो ढूंढा होता है वो इनके अंदर के आक्रोश और करुणा के सामने पेश किया जाता है। ये सब इनके संवेदनशील मन को छटपटाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसके बाद इनका कवि मन व्यंग का मूलभूत ताना बाना बुन लेता है, और इनके अंदर का चित्रकार इस सब का एक रेखाचित्र खींच देता है। फिर अपनी कथा कहने की कला से व्यंग को आकार देते हैं, और एक एक करके विसंगति की सारी परतें उतार दी जाती हैं, जड़ तक पहुंचा जाता है, और फिर मारक शब्दों को विनोद की चाशनी में लपेटकर हमारे सामने व्यंग के रूप में रखा जाता है। मित्रों, जिस सहजता से हरीश जी व्यंग कर लेते हैं, ये विधा इतनी सरल नहीं है। व्यंग लिखने के लिए देखने वाले की पैनी नजर, महसूस करने के लिए संवेदनशील हृदय, और कहने के लिए तीखी जुबान की आवश्यकता होती है। ये माने चाहे ना माने, ये इस कला के बेताज बादशाह हैं। इनकी रचनाएं हमें गुदगुदाती भी हैं, कचोटती भी हैं। मित्रों, मैं एक बात बता दूं कि प्रश्न ये भी है कि ये साहित्यकार बड़े हैं या मनुष्य। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा सा है। एक व्यक्ति अच्छा मनुष्य नहीं है अगर, तो वह कभी अच्छा साहित्यकार तो हो ही नहीं सकता। हरीश जी एक बहुत ही सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। अभिमान तो इनको छू तक नहीं गया है। ये कभी भी अपनी उपलब्धियों को किसी को गिनवाते नहीं हैं। मित्रों के मित्र हैं। कद पद और मत के बिना भी जीवन है, आश्चर्य होता है। प्रत्येक का हौसला बढ़ाते हैं, और इससे होता यह है कि हर कोई इनसे अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। आज की पीढ़ी इन्हें अपना मानती है। ये चाहे 74 वर्ष के हो गए हों, परंतु अपनी उम्र से कम 20 वर्ष छोटे दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सदा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। इनके अंदर आज भी एक बच्चा जिंदा है जो इनको बूढ़ा नहीं होने देता। ये एकदम मासूम है, और इसी मासूमियत से अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, जब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतकर इंदौर गए थे, तो वहां के साहित्यकारों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, कर हजम नहीं हो रही थी, समझ में तो सब आ रही थी कि इस 24-25 साल के युवा ने ये सब कैसे कर डाला, और ऐसा भी क्या कर डाला कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की नौबत आ गई। पर इन्होंने धीरे धीरे अपने स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया और सबके प्रिय बन गए। मित्रों, साहस इनमें कूट कूट कर भरा है। नारनौल में सरदार मंजीत सिंह की पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम की अध्यक्षता नवल जी कर रहे थे। मंच पर एक कवि द्वारा कुछ अवांछनीय सुनाने पर नवल जी ने ना सिर्फ उसको रोका बल्कि उसको डांट भी दिया। और लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सक्सेना साहब के खिलाफ तो नहीं, खैर कुछ ऐसा कुछ बोला गया कि कुछ गलतफहमी हो गई, तो इन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला। ये कभी क्रोध नहीं करते, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्कुराकर टाल जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट इनका गहना है, गहना तो क्या है, हथियार। ये प्रश्न यह भी है कि इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। इसका श्रेय ये टाइम मैनेजमेंट को देते हैं कि किस तरीके से ये अपने समय को व्यवस्थित करते हैं। इनका मानना है कि यदि हम अपने समय को सुव्यवस्थित करें और साथ तो हम सारे काम कर सकते हैं। अगर हम एक दिन में लेखन के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालकर 10 पृष्ठ भी लिख लें तो पर्याप्त है। मित्रों, इनके पास सभी के लिए समय है और ये सभी के लिए उपलब्ध हैं। एक बार एक सहयोगी की पुस्तक प्रकाशित करवाने के लिए उनको लेकर ये डायमंड बुक्स के कार्यालय तक गए। उसके बाद उनको ट्रेन में छोड़ा, और जबकि वो रास्ते भर घबराते रहे कि उनकी ट्रेन छूट जाएगी, जबकि नवल साहब उनको ये हौसला देते रहे कि ट्रेन नहीं छूटेगी, और साहब ट्रेन नहीं छूटी, और रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम भी नहीं मिला। दोस्तों, नवल साहब रंगमंच के नहीं,
जीवन के अभिनेता हैं, इनके इन सब गुणों पर हमारी सुधा जी फिदा हो गई और वे आज भी नहीं भूल पाती हैं उस हरीश का वो मासूम नेक चेहरा जो बस में अक्सर खड़े होकर सफर ही सफर करता था, क्योंकि वे अपनी सीट तो किसी ना किसी को रोज भेंट कर ही देता था। नहीं भूलता उन्हें हरीश जी का वो चेहरा, वो बस में सीट देने का अंदाज। खैर, वो ये सोचती थी कि ये डाइनिंग टेबल पर ही खाना खा सकते हैं और 4 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे इनके मध्य प्रदेश वाले मामा जी के घर। पर दोस्तों, हद तो तब हो गई जब हरीश जी वहां से 6 दिनों के बाद भी टलने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ, विदेशों में दूध और रोटी ढूंढने के नाम पर ये कोलंबस को भी पीछे छोड़ देते हैं, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, ये जो ठान लेते हैं वही करते हैं। मित्रों, हमारे हरीश जी ने ये कहावत उल्टी कर दिखाई कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्योंकि सुधा जी तो ये साफ कहती है कि उनकी हर कामयाबी के पीछे हरीश जी का हाथ है। ये बात और है कि हरीश जी सुधा जी को अपने आगे रखते हैं और अपने साथ रखते हैं और अपने से पहले रखते हैं। ये अगर इनका बस चल जाए तो कोई हरीश जी को अगर व्यंग सुनाने को कहे तो ये सुधा जी की कविताएं सुनवा देंगे। ये बात और है कि सुधा जी एक अव्वल दर्जे की कवित्री हैं, इन्होंने बसंत तुम कब आओगे जैसी शानदार कविताएं लिखी हैं, पर हरीश जी ने कवित्री साहिबा को भी अपने रंग में रंगी डाला, क्योंकि सिद्ध होता है कि सुधा जी ने एक रचना लिखी, अच्छा हुआ गौतम तुम हमारे युग में नहीं हुए। मित्रों, इनकी जोड़ी खूब जमती है, दोनों ने एक दूसरे का साथ खूब निभाया है। नहीं भूलता इनका राणा प्रताप बाग के घर के बाहर सुंदर लिखाई से लिखा हुआ हरीश व सुधा का घर। वो कोई आलिशान घर नहीं था, पर बाहें फैलाकर सभी को बुलाता था। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों की जोड़ी को ता कयामत तक सलामत रखे। हाँ, कुछ समय पहले हरीश जी को कैंसर हो गया था, पर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से जल्दी ठीक हो गए। हाँ, अस्पताल में इनके साथ 2 किस्से हुए जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफी सीख देने वाले हैं। एक सहयोगी को इनकी बीमारी का पता चल गया और वो अपनी सपत्नी इनको देखने पहुंच गए और उनकी पत्नी सुधा जी को ढांढस बनाते बनाते रो ही पड़ी। ये देखकर नवल साहब ने अपने सहयोगी से कोई कविता सुनाने को कहा, तो उन्होंने उदास या कुछ मातम मनाने वाली कविता सुनाना शुरू किया। इस पर हरीश जी बोले, भाई अभी तो मैं जिंदा हूँ। खैर, बात संभल गई। अस्पताल में ही एक बार रात को 11 बजे कर्मचारी हरीश जी के पास आकर बोले कि कुछ सुझाव दीजिए जिससे हम बेहतर सेवा दे सकें। हरीश जी हैरान रह गए, पर उसी समय सुझाव देने लगे तो कर्मचारी भी कॉपी पेंसिल ले आया। हरीश जी ने पहला सुझाव ये दिया कि प्रत्येक वार्ड में 4-5 बालाएं नियुक्त की जाएं जो समय समय पर मरीजों के सामने नृत्य पेश कर सकें, और दूसरा ये कि हर मरीज के पास ऐसा बटन हो जिससे वह अपनी मनपसंद संगीत सुन सके, और तीसरा ये कि रात को 11 बजे उनसे सुझाव ना मांगे जाएं। तो मित्रों, ऐसे हैं हमारे हरीश जी, एकदम जिंदा दिल, एकदम बिंदास, जिंदगी को पूरी तरह जीने वाले। चाहे कोट पैंट, ओवर कोट और हैट लगा कर रखें, सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर सामने वाला इनका सेवन करता हो तो उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, बल्कि उसको उसके गुणों पर ही परखेंगे। हमारे डॉक्टर साहब हिंदी को अपनी माँ का दर्जा देते हैं और एक पुत्र के समान उसकी सेवा करते हैं। इनका दिल शुद्ध हिंदुस्तानी है, ये जहाँ जाएंगे हिंदुस्तान बसा आएंगे। ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा का सम्मान सबसे पहले करे। इन्होंने ना केवल देश में अपितु विदेशों में भी हिंदी का परचम लहराया है। भारतवर्ष में हरीश जी ने व्यंग कला के साहित्य को मुख्य धारा बनाया है। विश्व के अनेक देशों में इनके द्वारा की गई साहित्यिक एवं सांस्कृतिक यात्राओं का चित्रात्मक वर्णन इनके मुख से सुनना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। ये बहुत ही रुचि से बताते हैं कि किस प्रकार हिंदी भिन्न भिन्न देशों में अपने पांव पसार रही है। जापान का टोक्यो विश्वविद्यालय हो या अमेरिका का वाशिंगटन एवं शेरवुड विश्वविद्यालय अथवा इंग्लैंड का लंदन विश्वविद्यालय, जहां हरीश जी ने सफलतापूर्वक अध्यापन और व्याख्यान देने का कार्य किया है। हिंदी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मित्रों, हमें अपने हरीश पर गर्व है। हरीश का अर्थ होता है भगवान शिव एवं विष्णु का संगम, जो हमारे हरीश पर पूर्णतया चरितार्थ होता है। जहाँ एक ओर तीखा व्यंग लिख सकते हैं हरीश, वहीं दूसरी ओर माँ बाबूजी पर अत्यंत मार्मिक कविता भी लिखते हैं। इनके व्यवहार में मनुष्यता के मूल गुण प्रेम, दया, चेतना आदि सदा दीप्त रहते हैं। मानवीय भावनाओं पर इनकी पूरी पकड़ है। इन्होंने साबित कर दिया है कि मनुष्य के संस्कार ही उसके सारथी होते हैं। फलदार वृक्ष सदा ही झुके होते हैं। इनके 60वें जन्मदिन पर 60 साहित्यकारों ने लिखा जो परसाई परंपरा का वाहक नामक पुस्तक में संकलित है। मैं इस पुस्तक को इनके जीवन की अनूठी पूंजी मानता हूँ। दोस्तों, मैं प्रवीण अग्रवाल आरती स्मिथ के शब्दों में इनको नमन करता हुआ आज का अपनी वार्ता यही समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा।
निष्प्राण दलदल को जब जीवन रस मिलता है, निष्प्राण दलदल को जब जीवन रस मिलता है, कहीं सरोवर में तब एक फूल खिलता है, कहीं सरोवर में तब एक फूल खिलता है। हमारे व्यंग श्री श्री हरीश नवल को नमन। धन्यवाद।